Hello everyone, good evening all of you, welcome to our class. तो हम सब पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिकल, और बेसिक इलेक्ट्रिकल में हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटर वाला चैप्टर. तो इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड तक पढ़ लिया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जितने भी लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं, सब लोग ऑनलाइन आए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी पता चल जाए कि इलेक्ट्रिकल विजन पर इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चल रही हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है, और वो भी आप ही लोग के लिए चल रही है. तो अगर आप लोग इसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर इस क्लास को चलाने का कोई मतलब नहीं रहता है. आप लोग इसको अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए. मैं आपसे और कुछ नहीं कह रहा, केवल आपसे शेयर करने कह रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए. और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए, क्योंकि इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था UPPCL में TG2 का, तो उसमें भी ऐसे ही हम लोगों ने लाइव क्लासेस चलाई थी, और लाइव क्लासेस की मदद से ही, लाइव क्लासेस से पढ़कर ही काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था. अराउंड 40+ स्टूडेंट जो है वो हम लोग यहाँ से लाइव क्लास पढ़ करके सेलेक्ट हुए थे, और आज UPPCL में TG2 की नौकरी कर रहे हैं. तो उम्मीद है कि आप लोग अगर रेगुलर क्लासेस करेंगे तो आप लोगों का भी सिलेक्शन होगा, और अपकमिंग एग्ज़ाम में आप लोगों की भी बहुत ही अच्छी मार्क्स आएंगे, और हो सकता है कि आप में ज़्यादातर लोग सिलेक्शन पा जाएँ. तो चलिए शुरू करते हैं. हम लोग ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव. तो विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव आपका है कि यदि कोई पॉइंट चार्ज, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है Q, यदि कोई पॉइंट चार्ज इनफाइनाइट पे रखा है, मतलब अनंत पे रखा है, और उसको उठा करके आपको किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर ले करके आना है. किसी भी बिंदु आवेश जो कि अनंत पे रखा है, उसको किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी विद्युत विभव. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कि किसी भी बिंदु आवेश जो कि अनंत पे रखा है, उसको उठा करके किसी भी पॉइंट जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है, वहां तक लाने में किया गया कार्य आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको आप दिखाते हैं V से. V बराबर होता है dW/dQ. V बराबर है dW/dQ, और आपे पता है कि W बराबर क्या होता है? F×D. W बराबर होता है F×D. तो अगर यहाँ पे F×D रखते हैं, अपॉन में आप Q रखते हैं, और F का फॉर्मूला आपने निकाला था कूलॉम्ब के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नियम से, वो क्या था? वो था आपका 1/4πε0Q×Q/d2. ये था आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, कूलॉम्ब के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम, जो ये कहता है कि F इज डायरेक्टली पोर्शनल टू Q1 Q2 और इन्वर्सली पोर्शनल टू d2. यहाँ पे हम लोग ने माना है कि दोनों चार्जेस सेम है, तो इसीलिए हम लोग ने Q×Q कराया, अपॉन में d2 कराया. मल्टीप्लाई आपने किया, ये जो d लिखा हुआ था, अपॉन में क्या आपने किया? ये आपका Q जो लिखा हुआ था, और ये किसके इक्वल था? ये आपके इक्वल था V के. तो यहाँ से आपको क्या मिला? V का आपको एक फॉर्मूला मिला, जो कि है V बराबर 1/4πε0Q/d. V बराबर 1/4πε0Q/d. इसकी जो यूनिट होती है वो आपकी होती है वोल्ट. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी बिंदु आवेश को अनंत से उठा करके किसी भी बिंदु जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर है, वहां तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसको आप दिखाते हैं V से. V बराबर होता है W/Q. अब W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F×D. तो F का फॉर्मूला आपने देखा था कि कूलॉम्ब ने जो नियम दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो था 1/4πε0Q1 Q2 d2. यहाँ पे हम लोगों ने दोनों चार्जेस को सेम माना है, तो Q×Q/d2 मल्टीप्लाई में था d, अपॉन में था Q. तो आपने काटा पीटा, आपको फॉर्मूला मिला V बराबर 1/4πε0Q/d. अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर d2 कर देते तो ये आपका बन जाता E का फॉर्मूला, E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला. तो आप कह सकते हैं E
ई बराबर वी अपॉन डी, ई बराबर वी अपॉन डी। अगर यहाँ पे एक डी आप और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/4 πε0 क्यू अपॉन डी स्क्वायर, जो कि होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला, अभी आपने इसे पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा था। तो आप इसको कह सकते हैं ई बराबर वी अपॉन डी, और इससे आपको ई यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक यूनिट और मिल गई, वो है आपकी वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ई बराबर होता है वी अपॉन डी, वोल्ट प्रति मीटर, और ये जो आपका वी अपॉन डी है इसको आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो आपका वी अपॉन डी है इसको आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है कि किसी एक डिस्टेंस पर कितना वोल्टेज आपका अवेलेबल है। ई बराबर होता है वी अपॉन डी, इसको आप कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इतना सबको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक कार्य है जो कि किसी बिंदु आवेश को अनंत से उठा करके किसी भी पॉइंट जो कि विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा हुआ है वहां तक लाने में किया गया है। अब V का जो फॉर्मूला निकला वो निकला V बराबर 1/4 πε0 क्यू अपॉन डी, और हमें पता है कि अगर यहाँ पे D की जगह डी स्क्वायर होता तो ये होता आपका E, तो आप कह सकते हैं E बराबर V अपॉन डी। तो इस तरह आपको E यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता की एक और यूनिट भी आपको मिल गई, वो हो गई आपकी वोल्ट प्रति मीटर। और ये जो आपको यहाँ लिखा हुआ है V अपॉन डी, इसे कहते हैं आप पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इतना सबको समझ में आ गया, तो आगे बढ़े। अब जो नेक्स्ट है वो आपका है सम विभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसे आप हिंदी में कहते हैं सम विभव पृष्ठ, सम विभव पृष्ठ। सम विभव पृष्ठ हिंदी में इसको समविभव पृष्ठ कहते हैं, इंग्लिश में आप कहते हैं इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये होता क्या है, ये एक ऐसा सरफेस है, ये एक ऐसा पृष्ठ है जहाँ पर सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल का मान समान रहता है। ये एक ऐसा सरफेस है जहाँ के सभी बिंदु पर विभव का मान समान रहता है, क्या कहलाता है आपका समविभव पृष्ठ। इससे केवल एक क्वेश्चन आपका बनता है समविभव पृष्ठ से, वो ये है कि जो आपका समविभव पृष्ठ होता है इसमें जो वोल्टेज होता है सभी बिंदु पर वो कैसा होता है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद ये रखना है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उसमें जो वोल्टेज होता है सभी पॉइंट्स पर वो सेम होता है, केवल एक क्वेश्चन इससे आएगा यही कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसके सभी बिंदु पर जो आपका पोटेंशियल का मान है वो कैसा होगा। तो आपको याद रखना है कि जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके अंदर उस पे सभी पर जो इसकी वैल्यू होगी वो आपकी सेम होगी। नेक्स्ट है आपका गॉस लॉ, गॉस लॉ यानी गॉस का नियम, गॉस लॉ यानी गॉस का नियम। तो गॉस ने क्या नियम दिया था, गॉस ने नियम दिया था फाइव बराबर 1/ε0 × Q। गॉस ने कहा था कि किसी भी क्लोज सरफेस में जितना भी आपका फ्लक्स मौजूद है वो उस क्लोज सरफेस में मौजूद चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। गॉस ने क्या कहा था, गॉस ने कहा था कि अगर किसी भी क्लोज सरफेस में, किसी भी क्लोज सरफेस में जितना आपका फ्लक्स होगा वो उस सरफेस में मौजूद चार्ज के 1/ε0 गुना होगा। ये था आपका गॉस का नियम, ये है आपका फाई, और आपको पता है कि फाइव की यूनिट क्या होती है, फाइव की यूनिट आपकी होती है कूलॉम। एक बात और आप पढ़ लीजिए, एप्सिलॉन नॉट जो यहाँ यूज हो रहा है
एप्सिलॉन नॉट की खुद की वैल्यू होती है, वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर। 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड प्रति मीटर। तो इतना आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और कैपेसिटेंस जो चैप्टर था इसमें आपका आधा हो चुका है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला पार्ट आपका हो चुका है। अब बचा है आपका कैपेसिटेंस वाला पार्ट, तो वो पढ़ने से पहले आप लोग इसके जो न्यूमेरिकल्स थोड़े बहुत आते हैं वो आप लोग देख लीजिए, एक एक न्यूमेरिकल हर तरीके का, ताकि आप लोगों को करना आ जाए। जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आया वो एक बार फिर से देख लें, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ है, एक ऐसा सरफेस है जहाँ पर सभी बिंदु पर जो वोल्टेज का मान है वो समान रहता है, पोटेंशियल का मान समान रहता है। गॉस लॉ ने क्या दिया था, गॉस ने क्या नियम दिया था, गॉस ने कहा था किसी भी क्लोज सरफेस में मौजूद फ्लक्स उस जो सरफेस है उसमें मौजूद चार्ज के 1/ε0 टाइम्स होगा। ये आपका था गॉस का नियम, और जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका है एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 / d² के फॉर्मूले पर। ये है आपका कूलॉम्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नियम। तो इस पे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज Q1 10 कूलॉम, Q2 20 कूलॉम और दोनों के बीच की दूरी 10 मिलीमीटर है, तो दोनों के बीच लगने वाला फोर्स आपको ज्ञात करना है। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है और जो वैल्यूज़ हैं वो आपको दी हुई हैं, आपको केवल वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको बताना है कि इसमें फोर्स का मान कितना आएगा। तो आप लोग जल्दी से कॉपी पेन में लिए बैठे ही होंगे, जो लोग नहीं लिए हैं वो याद रखें कि जब भी आप लोग क्लास करने आए तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठें और जो यहाँ पे आपको कराया जा रहा है उसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। तो Q1 Q2 आपको दिया है, D आपको दिया है, आपसे फोर्स पूछा है, तो आप लोग इसको ट्राई करिए, बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। फॉर्मूला लिखा हुआ है F=1/4π ε0 Q1 Q2 / d² Q1, Q2 और D की वैल्यू आपको दी है, केवल आपको F की वैल्यू निकालनी है, आपको केवल वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके आपको आंसर मिल जाएगा। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए और सॉल्व करके आंसर कमेंट करिए कि आपका आंसर कितना आ रहा है, और जिन लोगों का नहीं आ रहा है वो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कराया जाएगा तो आप लोग परेशान ना होइए। जितने भी लोग अभी लाइव आ रहे हैं वो ये समझ लें कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की क्लासेस चल रही हैं आप ही लोगों के लिए, UPPCL की अपकमिंग वैकेंसी के लिए, और UPPCL में JEE की वैकेंसी लगभग कंफर्म हो चुकी है और किसी भी समय आपका अनाउंसमेंट हो सकता है। होपफुली 1 से 2 महीने में आपका UPPCL में JEE की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप लोग UPPCL में JEE के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अच्छी तैयारी करना चालू करें। और अच्छी से अच्छी तैयारी करने के लिए मैं आपसे कहूँगा कि आप इलेक्ट्रिकल विजन की जो यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं इसको तो अटेंड करें ही करें, उसके साथ में आप हम लोग के द्वारा बनाया गया स्टडी मटेरियल अपने एड्रेस पर मंगवा सकते हैं। ये स्टडी मटेरियल आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा, उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर डिटेल्स प्राप्त करनी है, 7706020749 पर आपको व्हाट्सएप करना है। आप लोग व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स लें, जो इंटरेस्टेड हैं, जो स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं वो इस नंबर व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपना स्टडी मटेरियल अपने एड्रेस पे मंगवा सकते हैं। तो देखिए F=1/4π ε0 Q1 Q2 / d² लिखा हुआ था, तो 1/4π ε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ इंटू Q1 है आपका 10, Q2 है आपका 20, d² था, d आपका था 10 मिलीमीटर लिखा है, तो 10 की पावर माइनस 3 का स्क्वायर।
ये लिखा है -3 और ये लिखा है 1। जब दो पावर आपस में मल्टीप्लाई में होती है तो ऐड होती है, यहाँ लिखा है -3 यहाँ लिखा है 1, तो 3 में से एक गया, बचा 2, 2 का स्क्वायर 4, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +4। तो आपका आंसर आया 18 × 10^15 न्यूटन। क्वेश्चन एकदम सिंपल था, आपको Q1 Q2 दिया हुआ था, D आपको दिया हुआ था, फोर्स आपको बताना था, फॉर्मूला भी लिखा हुआ था, केवल वैल्यूज पुट करके आपको आंसर लेना था। कोई ऐसा है जिसको अभी भी ना समझ में आया हो? Q1 Q2 वैल्यूज गिवन थी, डी आपको मिलीमीटर में दिया हुआ था तो आपने इसको मीटर में चेंज किया, 1 मीटर बराबर होता है 10^3 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर बराबर हो गया 10^-3 मीटर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट जो आपका न्यूमेरिकल है वो आपका E बराबर F/Q के फॉर्मूले पर बेस्ड है। जो आपको फोर्स दिया है वो आपको दिया है 200 न्यूटन, जो आपको चार्ज दिया है वो दिया है 10 मिली कूलम, आपसे पूछा है ई। फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, आपको वैल्यूज पुट करनी है, आंसर लेना है, तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। एफ 200, क्यू दिया है आपको 10 मिली कूलम। मिली दिया है तो 10^-3, तो E बराबर आपका आ गया 20,000 न्यूटन प्रति कूलम। E बराबर 20,000 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इसको लाइक करिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।